हमें इसी बात का गर्व है कि दैनिक जागरण जैसे प्रमुख अखबार ने ये बात लिखी है कि मैरवा पुलिस ने एक यूट्यूबर के न्यूज से संज्ञान लेकर के और तब महेंद्रनाथ पांडे पर मुकदमा करके उनको जेल भेजा है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी गर्व की बात है। बहुत सही बात है और ये गर्व की बात है, काहे नहीं। रुपया पैसा मांगत रही है तो देत रहल हन तो बहुत खुश रही है। घर ही प्रसादी कर लिया राति खान सुते के बेरा। अगर हम टीआरपी और व्यूज के पीछे जा भी रहे हैं, उससे जो पैसा आ रहा है उस पैसे से हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। हम लोग अपना खेत बेच के नहीं ना मदद करेंगे महाराज। दोस्तों, महेंद्रनाथ पांडे जी की कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर जितने भी यूट्यूब के हमारे भाई लोग आए हुए हैं, सारे छोटे भाई लोग, सबने मिल करके थोड़ा थोड़ा जो भी उनसे 100-200 रुपये 500 रुपये तक की मदद बनी है उससे इनकी आर्थिक सहायता करने का प्रयास किया है। देखिए, पाँच ये आटा मंगवा दिया गया है, चावल मंगवा दिया गया है, दाल तेल वगैरह मंगवा दिया गया है ताकि किसी भी तरीके से ये परिवार कम से कम पति के इनके जेल जाने के बाद भूखे मरने की स्थिति ना आए। और हमने कोई एहसान नहीं किया दोस्तों, ये मानवता है और मानवता के नाते और जो कुछ भी पैसा बचा है वो भी हम इनको दे देंगे। दे दीजिए चौहान जी, जो भी आपके पास पैसा बचा हुआ है तो, हाँ 450 रुपये जो बचा है आपने दे दिया है, क्योंकि 2-4 दिन का भी यदि इनका खर्च निकल जाता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। दोस्तों, हमारे ये भाई अपने आप को धन्य समझेंगे और कम से कम ये सबके सब बच्चे जो भी यूट्यूब के पत्रकार हैं, बहुत बड़े इनकम वाले नहीं हैं, सब लोग जो है लगभग बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी की कंडीशन में यदि किसी तरीके की मदद जो हम लोगों से बनी है हमने किया है, हमने कोई इनके ऊपर एहसान नहीं किया है और हम शासन प्रशासन से आग्रह करेंगे कि इस पूरे मुद्दे पर बहुत संवेदनशील तरीके से विचार करके कम से कम इनके पति को जेल से छुड़ाने का प्रयास करें। बहुत परेशान है बेचारी, मानसिक रूप से इनका बच्चा परेशान है और शारीरिक रूप से ये परेशान है। तो जो लोग स्टूडियो में जाके अपना जो है कि न्यूज़ चैनल चला रहे हैं वो सबसे ज़्यादा टीआरपी और व्यू का काम करते हैं, क्यों वो नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग क्या आके मदद करते हैं ऐसे? तो एक एक लोग से और बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सारे लोग प्रयास करें, सारे लोग मदद करने का प्रयास करें। ठीक है, आप लोग व्यूज़ के लिए काम करिए, लेकिन उस व्यूज़ में ये भी सोचिए कि जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका भला भी होना चाहिए, उसका भला भी होना चाहिए, ये जरूरी है। पत्रकार हैं और बिल्कुल जो लोग कह रहे हैं कि टीआरपी और व्यूज के लिए काम किया जा रहा है तो हम, हाँ हम टीआरपी और व्यूज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि क्या जो नेशनल मीडिया में बैठे हुए जो लोग हैं, हम लोगों को यूट्यूबर या तरह तरह का नाम, दंगाई या हर प्रकार का नाम दिया जा रहा है, बताइए किसी पत्रकार ने भारत के इतिहास में इस प्रकार से कोई मदद किया है? नहीं किया। किसी ने भी, हम कह रहे हैं जो बड़े बड़े करोड़ों और अरबों करके और बैठे हुए हैं और वहां से लोग मुर्गा लड़ाते हैं, क्या किसी भी पत्रकार को आप लोगों ने देखा है? ये तय करी, मैं भारत की जनता से ये बात पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग व्यूअर्स हैं मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या किसी ने इस प्रकार से दाल चावल गेहूँ या कुछ भी हो, हर तरीके से हम लोग इनका मदद कर रहे हैं। अगर हम टीआरपी और व्यूज के पीछे जा भी रहे हैं उससे जो पैसा आ रहा है उस पैसे से हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। हम लोग अपना खेत बेच के नहीं ना मदद करेंगे महाराज, कोई नहीं, हम लोग खेत बेच के मदद करेंगे? हम लोग अपने बाबू से और मम्मी को घर पे जाके मार के पैसा लेके नहीं आएंगे कि हमको पैसा दो, हमको मदद करने जाना है? अगर हम कमाएंगे नहीं तो मदद कैसे करेंगे? अगर हम कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे कैसे? सवाल ये उठता है। सुनिए ना, इस मदद पे भी सवाल उठने लगेगा कि ये भी एक टीआरपी का खेला है, मदद करके और टीआरपी बटोरा जा रहा है। तो अरे ठीक है सर, आप लोग भी टीआरपी बटोरिए ना, लेकिन मदद करके बटोरिए। अरे कम से कम उस टीआरपी से एक परिवार का तो भला होगा। काहे चाचा गलत बोले? बाइक से चलते हैं जी। हमें इसी बात का गर्व है कि दैनिक जागरण जैसे प्रमुख अखबार ने ये बात लिखी है कि मैरवा पुलिस ने एक यूट्यूबर के न्यूज से संज्ञान लेकर के और तब महेंद्रनाथ पांडे पर मुकदमा करके उनको जेल भेजा है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी गर्व की बात है। बहुत सही बात है और ये गर्व की बात है, काहे नहीं। दैनिक जागरण के पत्रकार आए या आज तक के पत्रकार नहीं आएंगे? नहीं, नेशन के पत्रकार आए, मेन स्ट्रीम मीडिया पत्रकार आए, क्यों नहीं? दादाजी एक सवाल खड़ा उठ जाता है हमारे सिस्टम पर कि क्या किसी को भी इंसाफ दिलाने के लिए हमें किसी न्यूज को वायरल करना पड़ेगा? अगर हम वायरल करेंगे तब उसको इंसाफ मिलेगा? सवाल तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है। बिल्कुल सवाल खड़ा होता है, लेकिन चलिए इसको हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान लें। बिल्कुल।